हमें अपने आप से लड़ना होगा और ये साबित करना होगा कि हम कर सकते हैं। आइए आज इस वीडियो को शुरू करते हैं। हम सबके पास सपने होते हैं, लेकिन कई बार हम अपने आप को उन सपनों से दूर महसूस करते हैं, क्योंकि हमारे सामने आने वाली चुनौतियों और परिस्थितियों से डर लगता है। मगर याद रखिए, सफलता को पाने के लिए इन चुनौतियों का सामना करना जरूरी होता है। हालात जैसे भी हो, हमें अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते रहना चाहिए। जब हम किसी मुश्किल से गुजरते हैं तो हमारी मजबूती और सहनशीलता का परीक्षण होता है। सफलता के रास्ते पर आने वाले हर चुनौती हमें और भी मजबूत बनाती है। जीवन में हारना केवल तब होता है जब हम खुद से हार मान लेते हैं। हमें अपने कमजोरियों को नहीं बल्कि अपनी मजबूतियों को देखना चाहिए। हमें आत्मसंवाद और आत्मविश्वास बनाए रखना चाहिए ताकि हम किसी भी मुश्किल का सामना कर सकें। तो चलिए हम सब मिलकर नए उत्साह और जोश के साथ अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ें। हमें यकीन है कि हम सभी मिलकर अपने सपनों को पूरा करने का मार्ग तलाश सकते हैं और एक दिन हम सफलता की शिखर पर पहुंचेंगे। धन्यवाद। जब हम किसी बड़े पहाड़ को चढ़ने का निर्णय लेते हैं तो पहले चरण से ही हमारी ताकत और संकल्प परीक्षण में आते हैं। हालांकि रास्ते में अनेक संघर्ष आ सकते हैं, लेकिन जब हम अपनी संघर्ष शक्ति का सही उपयोग करते हैं तो हम सिकंदर, अब्राहम लिंकन, स्टीव जॉब जैसे महान व्यक्तियों की तरह ऊंचाधिक ऊंचाइयों से छू सकते हैं। याद रखें, हर कठिनाई का समाधान होता है, हर हालात का सामना किया जा सकता है। आपकी सफलता आपकी सोच और क्रियाओं पर निर्भर करती है, इसलिए कभी भी हार नहीं मानना। आपके अंतर्निहित प्रेरणा स्रोत को पहचानो और उसे मजबूती से पकड़ें, क्योंकि जब आप खुद पे विश्वास रखते हैं तो कोई भी लक्ष्य अधूरा नहीं लगता है। जीवन में सफलता पाने का रास्ता कभी आसान नहीं होता, लेकिन यह तब तक मुश्किल भी नहीं रहता जब तक हम अपने लक्ष्यों को प्रति पूरी तरह समर्पित नहीं होते। अपने सपनों की पूरी करने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है, संघर्ष करना पड़ता है और कभी कभी असफलताओं का सामना भी करना पड़ता है।